उधमपुर रेलवे स्टेशन, माता वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चलती है चंडीगढ़ से कटरा तक। हेमकुंड साहिब नाम है ट्रेन का इसका। रात को चलती है 10 बजे, सुबह 5:30 पहुँचती है उधमपुर और उसके आगे फिर वैष्णो देवी। आज लेट है ये ट्रेन। हम आज आपको फर्स्ट व्लॉग डाल रहे हैं ट्रैवल टॉक स्टूडियो में, तो हम आपको आज शेयर कराएंगे श्रीनगर तक। चंडीगढ़ से उधमपुर पहुंच गए अभी हम, आगे श्रीनगर कैसे पहुंचेंगे जो आपको बताएंगे। अभी उधमपुर रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा है, इसको और सुंदर बनाया जा रहा है। देखिए पहाड़ों के बीच, ये देखिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पहाड़ों के बीच बसा है। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जब निकलेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो गाड़ियाँ दिखाई देंगी। यहाँ से बनिहाल जगह है कि जहाँ से आगे ट्रेन जाती है श्रीनगर के लिए, तो वहाँ तक के लिए गाड़ियाँ मिलेंगी। या फिर आपको अगर श्रीनगर जाना है तो यहाँ से ये शेयर टैक्सी जाती है, यहाँ पर प्रीपेड बूथ भी आगे। ये जठानी चौक उधमपुर से, यहाँ से आप श्रीनगर के लिए या बनिहाल जो ट्रेन जाती है वहाँ के लिए आप गाड़ी बस जो भी है वो ले सकते हैं यहाँ से। ये उधमपुर बाईपास है, ये यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, शेयर टैक्सी मिलेगी, पर ये अभी पैसे बहुत लेते हैं, ये लोग लूटते हैं ये सोचो इस एरिया में। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे है, इनको सर को ले लो, ये हमारे एजेंट है, इनको ले लो। हाँ एजेंट, यहाँ पे एजेंट जारी ज़्यादा चलती है। दोस्तों तो उधमपुर से अभी हमने टैक्सी ली है, अब जा रहे हैं हम बनिहाल। हम रेल मार्ग से जाएंगे इस बार, ठीक है। ये चेक पोस्ट है, ये सभी के लिए टेस्ट चेक करते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। पुलिस पुलिस वाले अभी पैसे तो नहीं लेते भैया? लेते हैं अभी भी, ये तो है मतलब लेते हैं। नीचे जम्मू में भी लेते हैं, जम्मू में जब नाशरी चिनानी टनल आने वाली है, ये टोल प्लाजा है उसका। कितना करना है? नाशरी चिनानी टनल जम्मू टू श्रीनगर के रूप में आती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इस टनल का नाम रखा है। फास्ट टाइम होना चाहिए। जम्मू ने कश्मीर की हसीन वादियाँ, अभी जो हैं हम पहुँचे हैं बनिहाल। बनिहाल का ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लेके श्रीनगर तक ट्रेन चलती है। वैसे अगर गाड़ी से जाना तो जम्मू से श्रीनगर के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं, शेयर टैक्सी मिलती हैं। अगर ट्रेन से आना है अपने चंडीगढ़ से सपोज, तो आपको उधमपुर तक ट्रेन में आना है, फिर आगे टैक्सी से आएंगे, फिर यहाँ बनिहाल तक टैक्सी से आएंगे, फिर यहाँ से ट्रेन लेंगे। यहाँ पे आगे मार्केट है, खाना वगैरह किसी ने खाना हो तो वो भी खा सकते हैं यहाँ पे। इसके यहाँ बनिहाल का जो टाइम टेबल है ट्रेन का चलने का देख सकते हैं आप। बनिहाल से श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम,
बनिहाल रेलवे स्टेशन। बनिहाल से श्रीनगर छोटी गाड़ी भैया ट्रेन सोच रहा हूँ ले लेंगे। गाड़ी कौन दिखा कैसी 275 ना पाया देखिए रे ना ऐसे एवरेज 18-30 का लीटर दिखा रहा है। अरे सवाल 18 हाँ तो दोस्तों ये है श्रीनगर का रेलवे स्टेशन। ये जो ट्रेन है बनिहाल से लेके बड़गाम तक जाती है देखो। आप देख सकते हैं कितना साफ सुंदर है पर ट्रेन अंदर से बड़ी गंदी है। लोगों ने अंदर ही रैपर फेंके हैं जो भी खाते अंदर ही फेंका है। यहाँ से सर्कल राउंड आता है गोल्डन लेक लोटस लेक। अच्छा ये डल लेक पे ये शिकारा पे घूमने का जो आप एक घंटे का चार्ज करते हैं या रूट डिसाइड करते हैं? नहीं राउंड भी होता है एक घंटा वाला भी होता है आधा घंटा वाला डेढ़ घंटे। एक घंटे का कितना पैसा लेते हैं आप? एक घंटे का रेट है गवर्नमेंट का 770 हम लेता है 600। अच्छा चलो ठीक है ओके कोई बात नहीं। और क्या 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 जगह दिखाते हो आप? गोल्डन लेक आता है उसमें प्लोटन लेक विस्टपल लेक मार्केट मीना बाजार चार मीनार चार चिनार तो चार चिनार हाँ। चार चिनार वो सर चार घंटे का राउंड है वो इधर। अच्छा वो उधर टाइम लगता है? टाइम लगता है वो नीचे है ना उधर होटल के पास में जाके नेहरू गार्डन है ना सर। नेहरू गार्डन वहाँ तक 2 घंटा लगता है वो आपको सर्कल में आएगा। ओपन लेक स्विमिंग बोट नेहरू गार्डन मार्केट मीना बाजार ओल्ड सिटी गोल्डन लेक ये सर्कल में आता है यहाँ से जाता सर पीछे से वापस। अच्छा घुमा के हाँ। मतलब ये डल लेक ऐसे जाती है और आगे से घूम के वापस आती है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा ये सीधी नहीं है हाँ, ये यहीं से जाते हैं। अच्छा तो सर्कल के कितने पैसे लेते हैं? 2 घंटे का सर। 2 घंटे का कितना पैसा? 1000 रुपया। ठीक है आप कब से चलाते हैं बोट यहाँ पे? हमको कम से कम 20-25 साल हो गए। तो आजकल काम धंधा है टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं आजकल? कम आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा ठंड में कम आ रहा है। ठंड होता है ना अभी नवंबर में सीजन इतना नहीं होता सर। अभी 2-3 साल में बढ़े यहाँ पे टूरिस्ट? हाँ, हाँ, टूरिस्ट बहुत आए बहुत आए मतलब शांति हो तो लोग आते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा ये सामने जो है बोट हाउस इसका क्या रेंट देते हैं लोग? देता सर 4000-3000। 4000-3000 एक दिन का? एक दिन का। अच्छा 2000 से स्टार्ट है। अच्छा 2000 से स्टार्ट है ये तो होटल से भी महंगा है? नहीं यहाँ है ना होटल का मजा अलग है वो अच्छा। घर जैसा होता है इसमें और मजा आता है सर किसी दिन बैठो। अच्छा इसमें अलग से आता है मजा मतलब ये होटल वाली फीलिंग से अलग है इसलिए ज्यादा पैसा है इसका क्योंकि इनका क्रॉसिंग वॉशिंग लगता है उधर उधर। क्या लगता है इनका क्रॉसिंग होता है सर इनका वो है ना वो देखो वो बोट कर रहे हैं। हाँ हाँ जो टूरिस्ट आता है उसका पैसा कोई नहीं लगता कितनी बार वो आना जाना 10 बार 15 बार। अच्छा बार, अच्छा हर बोट के साथ में ये छोटी वाली ये बोट है जो रास्ते इधर से उधर पार्क लेके जाएगी है। ठीक है ठीक है ठीक है आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन अमीन आप श्रीनगर के ही हैं? कितना टाइम हो गया आपका बोट चलाते? 25 साल। शिकारा आपका अपना शिकारा है? कितने शिकारे हैं? मेरा एक ही है। एक ही है ऐसे नहीं होता यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जैसे 10-10 शिकारे ले लिए? पैसा वाला हो तो अच्छा वो करते हैं यहाँ पे ऐसा पे है। अच्छा वो किराए पे भी देता है जो पैसे वाला। ठीक है ठीक है ठीक है हमारे साथ ठीक है आपको मजा आएगा थोड़ा। हाँ नहीं मैं शिकारे पे घूमा हूँ पहले। 2500 स्पेशल डिस्काउंट मेरे लिए। थैंक यू आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
तो आप जो लोग बाहर से आते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप कि आए लोग यहाँ पे और शिकारे का आनंद लें, शिकारे का आनंद लें? अच्छा ठीक है, आप क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अमीन। आप कहाँ से आए यहाँ? तो भीमना में रहता हूँ, लाल चौक से आगे भीमना आता है। भीमना, हाँ, लाल चौक के आगे। ठीक है, अब तो लाल चौक पे तिरंगा झूलता है ना, बत्तख भी है उधर इसमें तो। करो ना, अच्छा चलो आधा एक घंटा रोड करो, 300 दे दो। 300 दे दो मेरे लिए, कल करेंगे, आज बिजी हम आज हम बिजी है, कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई। ये देखो फीमेल बोट चला रही है, ये सामने बोट हाउस है, ये जो पर्सन है कोई वहाँ पे रहता है तो उसको लेने आई है ये। आप कौन से घाट पे मिलते हैं यहाँ पे? गेट नंबर 3 पे होता है आपका शिकारा है, तो लोगों को स्पेशल डिस्काउंट देंगे, जो भी ये इस वीडियो को देखेगा उसको देना जरूर। कोई बात पक्का? ठीक है, ठीक है, थैंक यू।